स्थानीयता की नीति के विरोध में 14 मई को बुलाई गई बंदी को सफल बनाने के लिए गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। स्थानीयता की नीति के विरोध में 14 मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आहूत झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए गुरुवार को कदमा उलियान में केंद्रीय कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, विधायक कुणाल सारंगी, पूर्व सांसद सुमन महतो, मोहन कर्मकार, डाल्टू महतो समेत अन्य ने भाग लिया। बैठक में 7 मई को सभी प्रखंडों में प्रदर्शन का निर्णय भी लिया गया। आज हमारे पूर्वी सिंह जिला समिति का आपातकालीन बैठक हो रहा है। सेंट्रल कमिटी, सेंट्रल कास्ट समिति का दिशा निर्देश अनुसार जो कार्यक्रम जिला को मिली है, जिसमें से हमारे 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक गांव-गांव जाकर जनजागरण अभियान चलाना, जो भाजपा की रघुवर सरकार ने जो आस्था नीति लागू की है, जिसका विरोध में हमें पदयात्रा कर जनजागरण कर ग्रामीण लोगों को जागृत करना है। और 7 तारीख को पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर यहाँ जिला के उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को स्मारक पत्र, जिला में धरना प्रदर्शन के माध्यम से स्मारक पत्र देनी है, जिसके लिए आज हम लोग 7 तारीख का जिला में जो कार्यक्रम धरना प्रदर्शन का होगा उसको पूर्ण रूप से कैसे सफल करेंगे, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव से, नगर से, अधिसूचित से, समिति से हम कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा को भागीदारी करने के लिए आज एक इस बैठक में। एसएसपी ने कहा कि शहर में छिनतई करने वाला बिल्कुल नया ग्रुप है जिसकी रेकी की जा रही है। शहर में छिनतई की घटना पर एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने कहा कि बाइकर ग्रुप घटना को अंजाम दे रहे हैं जिनकी रेकी की जा रही है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। एसएसपी ने आम लोगों से अपील की है कि बैंकों से पैसा निकालने के बाद थोड़ी सावधानी बरतें। बाइकर्स जो है बाइक में आके जो है चेन स्नैचिंग और छिनताई का जो इंसिडेंस है उसको रोकने के लिए बाइक का चेकिंग हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे। और कुछ गिरोह जो बाहर का गिरोह भी जो है कभी कभार शहर में आता है, जमशेदपुर और अन्य शहर में भी आता है, विशेषकर जो है कुछ क्रिमिनल गैंग्स है कटिहार साइड का, उन लोग भी कभी छिनताई का घटना अंजाम देता है, तो वो सब पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। जैसा विशेष अभी निगरानी भी रखने की ज़रूरत है क्योंकि जमशेदपुर के अलावा अन्य जगहों में भी कटिहार का गिरोह कभी कभी आके जो है स्नैचिंग का घटना अंजाम देता है, उसको हम लोग अभी नज़र रख रहे हैं। विशेषकर जो भी क्रिमिनल्स उधर का चिन्हित क्रिमिनल्स हो, झारखंड का सीआईडी टीम द्वारा भी उस पर नज़र रखा हुआ है। जैसा जैसा जो है इन लोगों का एक्टिविटीज़ जो भी शहर में आता है जमशेदपुर आने के पता चलने पर हम लोग जरूर सक्रिय होता है और बाकी बाइक का चेकिंग और समय को विशेष ध्यान रखें। जिसको में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक महिला को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जिसको में नौकरी के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी करने के आरोप में एक महिला को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि एक संगठित गिरोह है और महिला तो सिर्फ एक कड़ी है। हालांकि महिला ने खुद को निर्दोष बताते हुए खुद को ही भुक्तभोगी बताया है और कहा है कि किसी अविनाश नामक व्यक्ति के कहने पर वो पैसे लेने आई थी। यदि समझ लिया बोले भैया हमको थोड़ा उस मोड़ में छोड़ दिए, हम उनको ला के छोड़ दिए। उसी में लोग बोला क्या पहचान है क्या नहीं है हमको नहीं मालूम, हम दुकानदार है, मेरा धक्की में दुकान है, उसको भेजे तो आज किसी बात कोई बात नहीं है, हम दुकानदार है, मेरा सारा इंटरप्राइज दुकान है मेरा अपना, हम एलआईसी में काम करते हैं। सर मेरा कोई गलती नहीं है, उन लोगों से पूछ लीजिए क्या मेरे को पैसा दिया था नौकरी के नाम पे,
या मेरे से कॉन्टेक्ट में, मेरे से कॉन्टेक्ट में था लोग, हम भी किसी को 8 लड़की का पैसा दिए थे, खुद का भी पैसा दिए थे। मेरे को अचानक फोन आया कि बोले कि सर जाके थोड़ा, मैडम जाके थोड़ा पैसा ले लीजिए, हम जाके पैसा लेने चले गए। मेरा इतना ही गलती है कि हम उनका कहने पे पैसा लेने चले गए। वो लड़की, क्या कहा गया था आपसे? फोन में कहा गया था कि वो लड़की वहाँ खड़ी है, आप थोड़ा सा जाकर पैसा ले लीजिए। किस वजह पैसा मांग रहा था? वो मुझे कुछ नहीं बताया, खाली मैडम बोला उसका पैसा बाकी, आप पैसा जाके ले लीजिए। टाटा मुख्य अस्पताल में आम लोगों के लिए TMH एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की गई है, इसकी जानकारी प्रेस वार्ता बुलाकर दी गई। संवाददाता सम्मेलन में TMH के निदेशक डॉक्टर रामदास भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि TMH एक्सप्रेस OPD का एक फास्ट ट्रैक चैनल है जो मरीजों को बाधा मुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, जहाँ बुनियादी आवश्यक जाँच जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यहाँ जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ को रेफर करने की सुविधा भी है। TMH एक्सप्रेस TMH OPD का एक फास्ट ट्रैक चैनल है जिसमें बिना अपॉइंटमेंट पेशेंट स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। इस सुविधा में सारी जांच डिजिटल रूप से की जाती है, ब्लड प्रेशर शुगर इत्यादि की जांच भी इसमें इंक्लूडेड है। सभी जांचें आधुनिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स से की जाती हैं और डायरेक्टली इनकी जांच का जो नतीजा है वो कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद अब पेशेंट्स को सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में ही उपलब्ध होंगे, उन्हें पेपर कैरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या फीस बता दोगे? TMH एक्सप्रेस सुविधा की फीस ₹350। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर है, बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग के पास लोगों ने खदेड़ कर एक व्यक्ति को पकड़ा, उस पर मोबाइल चोरी का आरोप है। बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग के पास ट्यूशन पढ़कर आ रही एक छात्रा के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लड़के ने अपना नाम मोहम्मद शकील बताया है और वो जुगसलाई का रहने वाला है। उसके पास से छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। वोल्टास चौक पर पेट्रोलिंग में थे PCR को मोबाइल से, अचानक वहाँ हल्ला होते हुए उसी चौक मैंने देखा एक आदमी भाग रहा है, एक लड़की चिल्ला रही है, दौड़ के इसे पकड़ा, दौड़ा करके पुलिस पार्टी द्वारा इसे पकड़ लिया गया। सीतगुड़ा में सड़क पैदल ही पार कर रही एक महिला को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया जिससे वो घायल हो गई है। सीतगुड़ा में सड़क पार कर रही एक रूबी सिंह नामक महिला को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया जिससे उसे शारीरिक चोट पहुंची है। लोगों ने उसे MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना के तहत ओल्ड पुरुलिया रोड में दो ऑटो की भिड़ंत में ऑटो चालक महमूद आलम को घायल अवस्था में MGM अस्पताल भर्ती कराया गया है। शहर को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। शहर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच कर उन्हें खदेड़ने की मांग विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन से की है। उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए जमकर नारेबाजी की। घुसपैठियां हैं जमशेदपुर में, उनकी जांच होनी चाहिए। जांच शुरू भी हुई, उसके बाद पता नहीं किसके दबाव में जांच बंद हो गई। आज उस जांच हुआ रहता तो जमशेदपुर जो आज आतंकियों के निशाने पे है वो नहीं होता। तो विश्व हिंदू परिषद इसका यहाँ के अधीक्षक से मांग करती है कि फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच हो, हर मदरसे की जांच हो, मंदिरों की जांच हो, मस्जिदों की जांच हो, जहाँ भी आतंकी घटनाएं, देश विरोधी घटनाएं अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है, चाहे किसी भी समुदाय का लोग हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगी। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ेदान लगाए गए हैं, ऐसे ही कूड़ेदान अन्य क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। जिला बार एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को अदालत परिसर में कूड़ेदान लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि शुरुआती चरण में अदालत परिसर में कूड़ेदान लगाए गए हैं और लोगों को कूड़ेदान का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था देश में स्वच्छता अभियान का, और माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी ने जब पिछले दिनों यहाँ बैठक की थी तो उसमें सभी संगठनों को और सभी
एसोसिएशन को बुलाया गया था, हम भी उसमें थे और हमने वादा किया था कि अपने कोर्ट में 12 एसोसिएशन में हम डस्टबिन लगवा देंगे सफाई के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए, और उसी क्रम में आज प्रथम चरण में यह डस्टबिन सभी जगह लगाया गया है। NH 33 स्थित सिद्धू कानू स्कूल में गुरुवार को पंडित रघुनाथ मुर्मू की 116वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बच्चों को उनकी जीवनी के विषय में बताया गया और उनके जीवन को आत्मसात करने की प्रेरणा दी गई। या और चिकी की जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और हमारे सिद्धू कान्हू शिक्षा निकेतन ट्रस्ट और सारे विद्यालय परिवार के बच्चों तथा तो हमारे शिक्षक शिक्षिकागण सब उपस्थित हैं। इसके साथ में ही हम लोग क्रिकेट खेल का आयोजन किए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस से हम लोग का क्रिकेट का सारा साजो सामान मिला है, उसका भी आज हम लोग उद्घाटन करके मैदान में बच्चा लोग को उतार दिए हैं। शहर में एक बार जीवनी के विषय मनोरंजन की पुरानी कड़ी और उनके जीवन को उठा पाएंगे। उनकी जीवनी के विषय को एम्पायर सर्कस और उनके जीवन को प्राचीन समय से मनोरंजन की एकमात्र साधन सर्कस का क्रेज है। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में कम होता गया है मगर आज भी ये कला जीवित है और कला की तारीफ करने वाले इसे आज भी जीवित रखे हैं। गुलमुरी मैदान में मूलचंद साहू और दिनेश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। एम्पायर सर्कस कोलकाता की है और 130 कलाकार शहरवासियों का मनोरंजन करेंगे। टाटा में एग्जीबिशन आम बगान और आपका गोलमोरी में सर्कस, ये छुट्टी पीरियड में बच्चे लोग के लिए बहुत ही अच्छा।